गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 16 सितंबर 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:43 हो रहे हैं। कल हमने देखा निफ्टी इंडेक्स ने जहां पर ओपन हुआ था उसके ऊपर आके एक क्लोज हुआ है, ग्रीन कैंडल बना है। हालांकि इनसाइड बार ट्रेडिंग इसे कहते हैं, डेली चार्ट में देखेंगे क्या पैटर्न है वो। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 15 सितंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,479। तो जैसे कि आप देख पा रहे निफ्टी इंडेक्स ओपन होने के बाद ही हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ था 11,496। फिर पूरा दिन इसी रेंज के अंदर, ब्रेकआउट लेवल से लेके सेकेंड टारगेट इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड हो रहा था। फिर से जैसे ही इसने ऊपर की तरफ मूव हुआ ये ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद 11,496 और उसके बाद सेकेंड टारगेट 11,515 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। काफ़ी देर इसी लेवल को पेनेट्रेट कर रहा था और इसी लेवल के आसपास ही आके क्लोज हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 20 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार फिर से एक बार हरे निशान में बंद हुए, नासडैक करीब 133 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स में ये तेजी के साथ बंद हुए। एशियाई बाजार आज देखे तो एसजीएक्स निफ्टी में कमजोरी देखने को मिल रही है, 30 पॉइंट्स की गिरावट है इस समय फिलहाल। निकेई जापानीज इंडेक्स भी 32 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है और डाउ फ्यूचर को देखे तो 58 पॉइंट के इस समय बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से फिलहाल मिला जुला संकेत आ रहा है। चलते निफ्टी के चार्ट पर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। हमने देखा जहाँ पर ये 100% का लेवल था 11,184, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था पास्ट में कुछ हफ्ते, यहाँ पर एक हर्डल इसने फेस किया और अभी जाके ये सपोर्ट का काम कर रहा है। पास्ट में जो लेवल रेजिस्टेंस का काम करता है, फ्यूचर में जाके सपोर्ट का काम करता है। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास जहाँ पर डेली चार्ट में 20 EMA भी आ रहा था, वहाँ से इसने फिर से एक बार ऊपर बाउंस बैक करने की कोशिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। और एक खास बात है, नीचे अगर इन शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को देखें तो अभी ये असेंडिंग ऑर्डर्स में आ गए। अभी यहाँ से जो फेब्रुवरी से फॉल आया था उसके बाद फर्स्ट टाइम ये फिर से एक बार असेंडिंग ऑर्डर्स में आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म पहले, उसके बाद में मिड टर्म, उसके बाद लॉन्ग टर्म, तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में, यानी अपसाइड मूव का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है। जैसे आप देख रहे पास्ट में, अगर यहाँ पर देखें आप, ये देखिए यहाँ पर ये जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस थे यहाँ पर ये मेसअप हो चुके थे और फिर से एक बार जैसे असेंडिंग ऑर्डर्स में ये आ गए तो हमें ये अपसाइड स्ट्रक्चर यहाँ पर कंटिन्यू होते हुए दिखाई दिया। तो उसी तरह से कुछ पास्ट एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर्स में आ जाते हैं, यहाँ पर गोल्डन क्रॉस ओवर बन रहा था। ये देखिए यहाँ पर गोल्डन क्रॉस ओवर, एट ए टाइम तीनों मूविंग एवरेजेस एक दूसरे को क्रॉस करके असेंडिंग ऑर्डर्स में यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा था और उसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ से अपसाइड मूव हमें देखने को मिल रहा था। अभी उसी प्रकार ये जो फेब्रुवरी से फॉल आया था, फेब्रुवरी से ये फॉल हमें देखने को मिला था, उसके बाद अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पर फिर से एक बार ये एवरेजेस जो है ये असेंडिंग ऑर्डर्स में आ गए, गोल्डन क्रॉस ओवर यहाँ पर बन रहा है। तो जैसे ही इस बेयरिश कैंडल को, इसका हाई अगर कंफर्टेबली ब्रेक होता है 11,800 के ऊपर, निफ्टी सस्टेन करता है तो और तेजी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। और क्रूशियल सपोर्ट अभी होगा 11,200 का, जहाँ से हमने कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बाउंस बैक देखा है। ये क्रूशियल सपोर्ट होगा, ये अगर ब्रेक होता है तो एज पर वीकली चार्ट 10,900 के पास निफ्टी इंडेक्स आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग अपना लॉन्ग पोजीशन या फिर शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हैं। ये वीकली चार्ट का सिनेरियो था, लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट। अभी डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट पर ये जो फॉल आया था तो अभी हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, इस हाई और इस लो को पकड़ के। तो आप देख सकते हैं 61.8% का लेवल इसने ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव कर लिया। यहाँ पर ये स्विंग हाई बना था और फिर से एक बार यहाँ पर ये स्विंग हाई बना है। तो अभी यहाँ से ये सपोर्ट लेके अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ता है और ये स्विंग हाई को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से तेजी हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज
यहाँ पर हर्डल है, दो बार इसने यहाँ पर फेल्योर दिखाया इस लेवल के पास, 11,550 पकड़ लेते हैं इस लेवल के पास ही, यहाँ पर ये हर्डल फेस कर रहा है। अभी तीसरा अटेम्प्ट होगा, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर से एक बार 11,800 के पास निफ्टी इंडेक्स हमें पहुँचता हुआ दिखाई दे सकता है। इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ है कल, यानी ये जो मंडे का हाई और लो का रेंज था इसी के बीच में ये कैंडल बना, ये बुलिश हरामी जैसा कह सकते हैं, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में नहीं बना, यहाँ से अपसाइड ये बाउंस आया तभी ये पैटर्न बना, तो इसे बुलिश हरामी नहीं कह सकते, लेकिन इनसाइड बार यहाँ पर ट्रेडिंग है। तो मंडे का ये जो हाई और लो है ये हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन लेवल का ये हमें काम करते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सीनरियो। चलते 60 मिनट की चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर कल के हाई के ऊपर यानी 11,535 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,551, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,569, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और ब्रेकडाउन के लिए ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है आप देख सकते हैं, कल 1, 2, 3, 4, 5 घंटे इस लेवल के ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा था, पेनेट्रेट कर रहा था इस लेवल को, तो जहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था कल, हो सकता है आज यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करें। तो अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है 11,500 को कम्फर्टेबली, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये जो 20 EMA का पिंक लाइन है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, यानी 11,483 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल जो कि 11,464 के पास है। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।